हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे रिंग एक्सपेंशन के बारे में, व्हाई इट टेक्स प्लेस एंड ये होता कैसे है। आइए देखते हैं रिंग एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये अपन पहला एग्जांपल लेते हैं। इस पहले एग्जांपल में वी हैव अ रिंग लाइक दिस, अपने पास एक रिंग है जो कुछ ऐसी है। अब देखिए इस रिंग में लेट अस से हमने वाटर डाला। जैसे हमने वाटर डाला, इसमें जो फाइनली आंसर आता है द मेजर प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें रिंग का साइज 4 की बजाय 5 होता है और यहां पे OH आता है। तो पॉइंट इज दैट ऐसा हुआ कैसे? इस प्रोसेस में जो रिंग है इसका साइज 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। तो द प्रोसेस इन विच रिंग गेट्स एक्सपेंड इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन। यानी रिंग एक्सपेंशन इज समवट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ओनली, रिंग रीअरेंजमेंट ही का एक टाइप होता है रिंग एक्सपेंशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ पे पानी हमने डाला है तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1। आई एज्यूम आपको ये थोड़ा बहुत आता होगा, पर नहीं भी आता तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले इसके मैकेनिज्म में ये जो बॉन्ड हमने तोड़ा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ताकि इस कार्बन पे क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। तो देखिए क्या बनेगा, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट हमारे सामने बनेगा। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के पास दो रास्ते होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना चाहेगा। अगर वो यहाँ आएगा तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये मिथाइल यहाँ से शिफ्ट हो जाए, मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होके इस प्लस चार्ज के पास चला जाए। इससे कैटायन पहले से स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ ऐसा कुछ हो जाए, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अगर यहाँ चला जाए तो इससे देखिए क्या होगा, इससे कुछ ऐसा होगा कि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म। अब जहाँ से बॉन्ड ये टूटा वहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ ये बन गया, ये बॉन्ड नया बनाया, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, ये मिथाइल वैसे का वैसा रहेगा। तो बेसिकली ये जो रास्ता है दिस इज मोर बेनिफिशियल देन सिंपल मिथाइल शिफ्ट। अगर हम मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो ऐसे केस में ये जो कार्बन आपने देखा, इस कार्बन पे आ जाएगा मिथाइल और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब खुद ही कंपेयर कीजिए, ये जो कैटायन बना है और ये जो कैटायन बना है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये कैटायन, क्योंकि इसमें रिंग का साइज क्या हो गया है, 4 से 5 हो गया है। अब आप सभी को बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी से शायद इतना आइडिया होना चाहिए कि रिंग का साइज सबसे स्टेबल होता है 6 मेंबर्ड, फिर होता है 5 मेंबर्ड, फिर होता है 7, फिर होता है 4, फिर होता है 3। तो एक्चुअली रिंग एक्सपेंशन की रियल रिक्वायरमेंट जो होती है वो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स में ही होती है, क्योंकि ये वो रिंग्स होती है जिनके अंदर एंगल स्ट्रेन जो होता है वो होता है मैक्सिमम, दे हैव द मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। यानी जब जब उनको मौका मिलेगा एक्सपेंड करने का, दैट विल एक्सपेंड। अब देखिए जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फाइनली इस पॉजिटिव चार्ज पे वाटर विल अटैक, वाटर विल अटैक, और वाटर के अटैक करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो आपने देखा रिंग एक्सपेंशन जो होता है इट अकर्स मेनली इन 3-4 मेंबर रिंग्स, एंड कभी कभी 5 मेंबर रिंग्स में भी हो सकता है, एंड एक्सेप्शनल केसेस में 6 मेंबर में भी हो जाता है, बट नॉर्मली इट अकर्स इन 3, 4 and 5 मेंबर रिंग्स। इसका बेनिफिट क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन को ये कम करने के बहुत काम आता है। एंगल स्ट्रेन कम होता है तो उससे रिजल्टेड ये कैटायन जो बनता है रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो दिस पाथवे इज बेटर। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस अगले एग्जाम्पल में सीधा मैं आपको एक कैटायन दिखाऊंगा और आपको ये देखना है कि ये कैटायन जो बनेगा इसका रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा। तो देखिए ये हमारे पास कैटायन है, ठीक है। अब इस कैटायन के पास दो रास्ते हैं, या तो ये कैटायन यहाँ से यहाँ आ जाए, किसकी हेल्प से, इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकले और H इस प्लस के पास चला जाए, एक पॉसिबिलिटी है। इससे जो कैटायन हमें मिलेगा अगर आप उसको देखें तो वो कुछ ऐसा कैटायन बनेगा। अब इस कैटायन के अंदर क्या हो रहा है, इस कैटायन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, सब कुछ ज़्यादा हो गया, यानी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसी का एक अल्टरनेट होगा जिसमें रिंग एक्सपेंशन होगी। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा
तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर चला जाएगा, यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस विल बी फॉर्म, और इस पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा रेंडमली की बजाय तरीके से दिखाएं तो रिंग का साइज जो हो गया दिस इज 6 मेंबर्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए दोनों में अपने अपने बेनिफिट हैं। यहाँ पे रिंग का साइज क्या हो रहा है, 5 से 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन पहले से स्टेबल बन रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो देखिए इन दोनों में किस फैक्टर को आपको देखना होगा, तो आपको ये स्ट्रेन वाला फैक्टर देखना पड़ेगा, आपको रिंग एक्सपेंशन को प्रेफर करना पड़ेगा। तो दिस विल बी प्रेफर्ड, दिस विल बी ओनली अ माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट में इट कैन कम, पर मेजर जो होगा वो कौन सा होगा, रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट ही होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है कि रिंग का साइज जो होना चाहिए दैट शुड बी 3, 4 और 5 मेंबर्ड, है ना, ये साइज होना चाहिए। और उसके बाद जो ये छोटी रिंग होगी 3, 4 या 5 मेंबर्ड, उससे डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिंग एक्सपेंशन पक्का होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप बताइए रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे रिंग तो छोटी है पर उससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो रिंग एक्सपेंशन अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले ये केटायन रीअरेंज करके इस पोजीशन से यहाँ पहुँचेगा, और अब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकता है ना। तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हमेशा एडजेसेंट पोजिशंस यानी 1-2 पोजिशंस पे ही पॉसिबल होता है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, यहाँ मिथाइल है, लेट अस से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपने देखा रिंग का साइज यहाँ पे क्या आ रहा है, 5, और रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहा है इस प्लस चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रेजेंट है, ये इसके पास जाएगा। इसके उधर जाने से फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ जो बॉन्ड पहले था अब वो वहाँ नहीं है, इस कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब रिंग का साइज हो चुका है 6, इसको तरीके से अगर दिखाएं तो रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर कैटायन इज मच मोर स्टेबल देन दैट इनिशियल कैटायन। इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन होता है। सो गाइस व्हाट यू लर्न इन द रिंग एक्सपेंशन, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होता है ना। ये कौन सी रिंग्स में होता है, छोटे रिंग्स में होता है, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग्स में होता है। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद एंगल स्ट्रेन कम होता है, दैट इज ओके। इसका कंडीशन क्या होता है, रिंग के एडजेसेंट जुड़े हुए कार्बन पे, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी, है ना। वो डायरेक्टली आए या रीअरेंजमेंट के बाद आए, ऑफकोर्स बस आना चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस वॉज रिंग एक्सपेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।